तो आजकल बाबा ने ये खास कहा है कि कंट्रोलिंग पावर अपनी बढ़ाओ। कोई भी संस्कार हमारे काम करते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या करें, हम चाहते तो नहीं है, हम समझते भी है ये ठीक नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूँ, नेचर है मेरी, वो कभी निकल आती है। नेचर है रंग है तो नेचर तो धोखा दे सकती है ना। उस समय समझो आपकी नेचर आके निकले, कोई भी अलबेलेपन की है, आलस की है, कुछ भी है, संस्कार जो है वो कभी ढभया आ जाता है, कभी किसके प्रति घृणा आ जाती है। कोई भी संस्कार समझो नेचर के रूप में, नेचर के रूप में क्या होता है, जैसे कॉमन बात है, ये कभी हो जाता है, उसको हम बड़ी बात नहीं समझते, लेकिन नेचर भी धोखा तो दे सकती है ना। इसीलिए बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर हो। समझो कोई संस्कार इमर्ज होता है तो सेकंड में हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना समय हम मन को जहां चाहे, जैसे चाहे, वैसे हम उसको कंट्रोल पावर से स्थित कर सकते हैं। कि मैं कहूँ शांत हो जाओ और मन अशांति होता रहे, मैं कहूँ भय नहीं करना है और भय में ही चलता रहे, कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो उस समय कौन मानेगा हमारा, नहीं होगा ना। तो कंट्रोलिंग पावर बाबा ने कहा अभी ये अभ्यास करो। समझो बहुत बिजी हो आप, ऐसे टाइम पर अभ्यास करो, बहुत बिजी हो आप, उस समय देखो सेकंड में मैं एकदम शांत आत्मा हो सकती हूँ, एक सेकंड के लिए। प्रैक्टिस करो, अपने आप को चेक करो, तो सचमुच उस समय मैंने सोचा नहीं मुझे शांति की अनुभूति में रहना है, चलो शांति नहीं सुख में जाना है, आनंद प्रेम प्रभु प्रेम में रहना है, जो मैं चाहूँ वहाँ हमारा मन अचल अडोल हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो फिर तो अभ्यास चाहिए ना। तो कंट्रोलिंग पावर होगी क्योंकि अंत में ऐसी हालतें आएंगी जिसमें टचिंग और कैचिंग पावर बहुत ज़रूरी। बाबा की टचिंग उस समय आवे, ये ठीक है ये नहीं ठीक है, ये करो ये नहीं करो, बाबा की टचिंग, राइट टचिंग आवे। अगर मेरा वो जैसे टेलीफोन या कोई ऐसा साधन होता है, गड़बड़ होती है तार में, तो जो वो बोलता है वो समझ में ही नहीं आता है, बोल भी रहे हैं लेकिन समझ में क्लियर नहीं आएगा, आप कैच ही नहीं कर सकेंगे क्या बोल रहा है। तो ऐसे अगर हमारी बुद्धि बिल्कुल प्लेन नहीं होंगी तो टचिंग और कैचिंग कैसे हो सकेंगे। हमारी मन और बुद्धि जो है वो कोई कमजोरी में, कमजोरी के वश है, तो टचिंग अच्छी नहीं होगी, कैचिंग अच्छी नहीं। और ऐसे टाइम पर हम पहले समझते थे, जब मधुबन में हम रहते थे ना, सेवा तो थी नहीं और न का हमको सेवा का संकल्प था कि सेवा पर भी निकलना है। हम तो समझते थे, हमारा स्लोगन था तो बाबा मामा सामने होगा, मधुबन का तट होगा, तब प्राण तन से निकलेंगे, ये हमारा स्लोगन था। और अभी देखो, अभी कोई लंदन में शरीर छोड़ रहा है तो कोई अमेरिका में, कोई कहाँ शरीर छोड़ रहा है, और बाबा मामा सामने ही होंगे। हम तो अभी सेवा पर अलग अलग हो गए। तो सारी वो सेवा पर निकलने का कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी सूक्ष्म में हमारे सामने शरीर छोड़ने के टाइम बाबा मामा सामने हो, मधुबन की स्मृति हो और फिर प्राण तन से निकले। बाकी स्थूल में बाबा मामा सामने होगा ये नहीं है, बदल गया। तो कहाँ भी हम हो सकते हैं, इसीलिए हमको इतनी तैयारी अपनी करनी। हमें तो स्वप्न में भी नहीं था, तो हम कोई लंदन जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, बाबा मामा होंगे ही नहीं साथ में। ये तो एकदम स्वप्न में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं था, बदल गया ना। तो हमारी भी परिस्थितियाँ बदलने वाली है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ? अपने मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़रूरी। जिसको बाबा दूसरे शब्दों में अभी भी लास्ट मुरली में कहा, चलो एक शब्द पॉइंट ही याद कर लो। पॉइंट बनना है, पॉइंट माना बिंदु, पॉइंट बनना है और पॉइंट जो है लगानी है और पॉइंट मनन करनी है, पॉइंट्स। तो यही याद रखे, एक ही शब्द पॉइंट का भी याद रहेगा तो भी बाबा कहता है आप विजयी बन सकते। तो हमारे को कंट्रोलिंग पावर मन की है। बहुत बिजी समय में भी एक सेकंड आप ट्रायल करो। अच्छा, मैं समझती हूँ बहुत बिजी हूँ, संकल्प यानी कर्म कॉन्शियस हो, कर्म के ही संकल्प चल रहा है, अभी मैं उसको चेंज करके सोल कॉन्शियस बन सकती हूँ कि कर्म के जो कॉन्शियसनेस है वो हमको खींचती। बाबा कहते हैं ना, कई बार बच्चे जो है वो कहते हैं बाबा बैठे तो योग में थे लेकिन सर्विस के प्लान चल रहे थे, सर्विस तो अच्छी चीज़ है ना, वो थोड़ी बुरी चीज़ है। तो भी बाबा कहता है जिस समय जिस लक्ष्य से बैठे हो, अभी योग में बैठे हो, सेवा के लिए नहीं बैठे हो, तो योग के टाइम आपको सेवा भी याद आती है, तो भी जिस समय जो काम करो वो ही होना चाहिए ना। ये भी तो रंग है ना। इसीलिए बाबा हमको कंट्रोलिंग पावर के लिए इशारा देता है, तो वो चेक करना पड़ेगा अपने आप को। एक कर्म कॉन्शियस नहीं हो, उस समय भी हम मालिक हो के कर्म इंद्रियों से कर्म कराए, और दूसरा मन मेरा कंट्रोल है या नहीं, ये चेकिंग बहुत ज़रूरी। तब भी हम जिस समय जो चाहे, अभी अभी मैं समझती हूँ नहीं मुझे शांति की किरणें देनी है, तो सुख की बातें याद आ रही है, मानो नहीं जिस समय जो कर्म करने चाहूँ वो ही कर सकूँ, जो संकल्प चलाने चाहूँ वो ही संकल्प चला सकूँ, जो मैं जितना समय जो जिस मन को जहाँ ठहराने चाहूँ वो ठहर सकूँ।